इंदौर प्रेस क्लब में अभ्यास मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम सुकून के पल में मेरे शहर के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ जन व मोहन सेंगर, सुरजीत सिंह चड्डा, महेंद्र हार्डिया, सत्यनारायण पटेल सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य व यातायात समस्या को लेकर उनके सुधार की ओर कार्य करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। साथ ही पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देते हुए वृक्ष को अधिक से अधिक लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में माँ अहिल्या की नगरी इंदौर के सभी क्षेत्र में प्रथम स्थान दिलाने के लिए व हर समस्याओं को दूर करने के लिए सभी को इस ओर ध्यान देने व कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सुकून के पल मेरे शहर के लिए एक ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिस कार्यक्रम में वो सभी लोग जिन्होंने अपने शहर के लिए कुछ करने के लिए सोचा है, जिन्होंने तय किया है कि आगामी 5 सालों में कुछ भी हो जाए, घर परिवार तो मेरी प्राथमिकता है, लेकिन उससे पहली मेरी प्राथमिकता अगर कुछ होगा तो मेरा शहर होगा। आपने सब सभी वक्ताओं ने बोला, सभी यहाँ पे बैठे, शिक्षा के बारे में, यातायात के बारे में, खान नदी के बारे में, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, मेरा एक सुझाव है, हो सकता है कि मेरा सुझाव आपको गलत लगे। शहर में सबसे बड़ी गंभीर समस्या यातायात की, इस 15-20 साल से मैं देख रहा हूं कि कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना। अपन अगर दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, हैदराबाद जाए तो वहां पर निरंतर फ्लाईओवर बनते रहते। फ्लाईओवर बनने से ऐसी मेरी मान्यता है कि इंदौर शहर में कम से कम 5-7 फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बने। इंदौर का ट्रैफिक ठीक होगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा। इंदौर में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ेगी तो उसका लाभ सबको मिलेगा। इंदौर का पर्यावरण ठीक होगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा। निश्चित रूप से कोई प्लेटफॉर्म पर देखिए, जब सारे पॉलिटिकल पार्टी एक स्वर में कोई बात को बोलेगी तो चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको उस बारे में विचार करना पड़ेगा और वो काम अपन शहर के हित में कर सकते हैं। दूसरा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज इंदौर की सड़कें इतनी चौड़ी होने के बाद, लेफ्ट टर्न चौड़ी होने के बाद लगातार हम फेस करते हैं कि ट्रैफिक, जैसे अनिल जी ने बोला 40 मिनट लगे, 40 मिनट तो आपने कम बताया, कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाता है। देखिए, इतनी लेफ्ट टर्न छोड़े हुए, इतने काम हुआ उसके बाद थोड़ी हुई सड़कें, काफी लोगों ने अपने अतिक्रमण सुरक्षा से भी छोड़े, काफी नगर निगम ने जलस्थ भी छोड़े, किंतु कुल मिला के वो रोड थोड़ी हुई, किंतु उसके बाद भी जो सुविधा इंदौर वासियों को मिलना चाहिए तो वो नहीं मिली। पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी काम हुए हैं, कई बगीचे बने हैं, कई बच्चे वृक्षारोपण हुआ है, किंतु जिस स्तर का मास्टर प्लान में जो अध्यक्षित था हरियाली के लिए, उस टारगेट तक हम नहीं पहुंचे। हेल्थ के मामले में जरूर कुछ सुविधा प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी है, गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी शुरुआत माननीय सुमित्रा महाजन जी ने करी है, वो 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। देखिए, इसमें राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी है, सुपर स्पेशलिटी सेंटर अपने एमवाई के अंदर, इससे दो फायदे हुए बनाए वो हम सब दल मिलकर सरकार के सामने भी पुट अप करें, जिला सरकार के सामने भी पुट अप करें, उस मास्टर प्लान के तहत काम हो और उसमें कोई कमियां हो तो हर 3 या 4 महीने में आपस में एक मीटिंग आपके बीच हो। और निश्चित जो आज तक जो कमी रही है, मैंने जो समझा है, और आप भी सब, मेरे ख्याल अभ्यास मंडल का जो 60 साल का जो अनुभव निचोड़ इंदौर शहर को कई तरह से मार्गदर्शित किया है, चाहे जनप्रतिनिधियों को हो, चाहे सरकार को हो, चाहे जिला प्रशासन को। मैंने जो एक कमी जो महसूस की है कि जिस प्रकार भी कोई काम का नया अंजाम दिया जाता है उसको प्रॉपर रूप से जिला प्रशासन कंप्लीट कर देता है, और प्रेजेंटेशन के समय जनप्रतिनिधि समय पर नहीं पहुंच पाया, और आप जैसी संस्था को आमंत्रित करके चर्चा की जाए और उस पर और खुलासा किया जाए तो जिसमें कमी और अच्छे और बुरे विचार सामने आकर बेहतर उसका निचाड़ निकल सके, वो कमियां रही है, वो हमारा प्रयास आने वाले समय में हम सभी दोनों दल के लोग, तीनों दल के लोग, अन्य दल के लोग भी हैं, सब बैठ के आपके सामने बैठकर जिसकी भी सरकार बने, जो भी चुनकर जाए,
बिल्कुल बेहतर तरीके से नए मास्टर प्लान के तहत अगर हम काम करेंगे, जो कमियां हैं उसको हम मिलजुल कर इतना बेहतर अंजाम दे सके, और आप जैसी संस्था के नेतृत्व और हम सब या प्रबुद्ध जनों के साथ बैठ कर जो फैसला लेंगे और वो सरकार के सामने जब जाएगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इंदौर उसका अनुसरण प्रदेश और देश में बने, ऐसा प्रयास हमारा अब होगा। क्योंकि पर्यावरण की समस्या हमेशा पार्टी से ऊपर होती है और हम कैसे भी किसी भी पार्टी से लड़े पर्यावरण सुधारने की हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। पिछले 20 वर्षों की यदि इंदौर के संदर्भ में रिपोर्ट देखी जाए, पिछले 2 वर्ष छोड़ करके, तो यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है। यदि हम वायु प्रदूषण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो स्रोत है इंदौर में, वाहन है, कारखाने है या जो अन्य प्रकार का ईंधन उपयोग करते हैं, उनसे 500 टन प्रदूषित पदार्थ प्रतिदिन हमारे वायुमंडल में मिलाए जाते हैं। आप चले जाइए बर्तन बाजार, जाइए कपड़ा मार्केट में, जाइए मारुतिया बाजार जाइए, हमको लोगों को निश्चित रूप से अवेयरनेस लाना पड़ेगी। मोहन सेनर जी ने बिल्कुल सही बोला कि चालानी कार्रवाइयां होती है, पर हम लोग उनको सुधार के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए सरकारें काम करे, अच्छा मल्टीपल पार्किंग आए और अधिक से अधिक जगह पे आए। कपड़ा मार्केट में बहुत बड़ा मुद्दा था, भी उसमें बहुत बड़े विवाद भी हुए कि पार्किंग के क्षेत्रों में लोगों ने अपनी कब्जेदारी रखी हुई है, वो चीजें हमको हटाना पड़ेगी। कपड़ा मार्केट हो, सराफा हो, मारुतिया बाजार हो, ये बर्तन बाजार हो, यहाँ पर हमको पार्किंग के लिए अवेयरनेस लाना पड़ेगी। और हम लोग निश्चित रूप से ये तय करें कि हम लोग खुद 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पैदल चले जाए। उन बाजारों का विकास रुक गया है, उन बाजारों में आज भी लोग खरीदारी करने से जाने से परहेज करने लग गए कि वहां जगह ही नहीं मिलती, गाड़ी तो दूर की बात है पैदल नहीं चल पाते। तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार जो भी आएगी हम पहल करेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि उस पुराने इंदौर के लिए हम लोग यातायात को सुगम करने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे पार्किंग की सुविधा कर सकते हैं, बाजारों में हम लोग व्यापारियों से, संस्थाओं से उनकी बात कर सकते हैं कि वो लोग हमारे साथ आए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इंदौर में बहुत सारे अवसर पैदा हुए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, या समग्र विकास के क्षेत्र में। पर जैसे जैसे छोटा शहर बड़ा बनता है, जैसे जैसे छोटा कस्बा बड़ा बनता है, उसकी जन्मजात समस्याएं हैं, जिसमें ट्रैफिक। उम्मीदवारों को हमने आहूत किया था, कुछ बाहर होने की वजह से, कुछ अन्य व्यवस्थाओं की वजह से और कुछ हवाई करने की व्यवस्थाओं से शायद उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए मैं जो आए हैं उनका भी आभार करता हूं, जो ना आ पाए उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आगामी हमारी जब भी कोई ऐसी व्यवस्था या इस टाइप के नगर हित वाली कोई बातें हो तो उसमें उपस्थित होकर भागीदारी।